नमस्कार, मैं श्रीकांत चौहान आप सभी का ट्रेड टॉक के पॉडकास्ट में स्वागत करता हूँ। सबसे पहले अगर हम हमारे मार्केट के अगर सेटअप की बात करें तो यहाँ पे हमने एक काफ़ी बड़ा रिवर्सल पैटर्न देखा है और इसी वजह से हमें थोड़ा सा इस मार्केट में कॉशियस होना ज़रूरी है इन द शॉर्ट टर्म। ब्रॉडर ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है क्योंकि ये फर्स्ट रिवर्सल साइन ऑफ रिवर्सल है और इसीलिए हमें लगता है कि जब तक मार्केट 22,800 के लेवल्स को क्रॉस नहीं करता तब तक हमें मार्केट में कॉशियसली ट्रेड करना है। अगर मार्केट में कोई भी करेक्शन अगर आता है तो 22,500 से लेकर 400 के रेंज में मार्केट के लिए मल्टीपल सपोर्ट्स है और 22,300 के नीचे ही मार्केट का ट्रेंड चेंज होगा। तो करंटली जैसे मार्केट का सेटअप बना है, हमें लगता है मार्केट में कोई भी करेक्शन अगर आता है तो 22,400-450 के करीब लॉन्ग की पोजीशंस बनाए, लेकिन स्टॉप लॉस रखें एट 22,300 के नीचे का। हायर लेवल्स में अगर कोई भी रिबाउंड अगर मिलता है तो 22,700 से लेकर 800 के रेंज में पोजीशंस को कम कीजिएगा। इसके अलावा अगर हम मार्केट में कोई टेक्निकल ब्रेकआउट अगर देख लेते हैं, मार्केट अगर 22,800 के लेवल्स को अगर क्रॉस कर लेता है तो फिर हमें 23,000 के लेवल्स इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम दिख सकते हैं। सो डोमेस्टिक डेटा की अगर बात करें इंडियन मार्केट्स के लिए तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी इम्प्रूवड है, और अगर हम वर्ल्ड मार्केट्स की अगर बात करें तो वहाँ पर भी इकोनॉमी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन जो इंटरेस्ट रेट की दरें हैं वो काफ़ी हायर लेवल्स पे हैं और वो हायर लेवल्स पे रहने की और भी गुंजाइश है। तो इसी वजह से हम वर्ल्ड मार्केट्स में एक इक्विटी मार्केट्स के ऊपर प्रेशर देख रहे हैं। जहाँ तक कि बैंक निफ्टी का सवाल है, मुझे लगता है कि वहाँ पे भी 50,000 के करीब एक बड़ा रिवर्सल पैटर्न बना है और 50,000 के ऊपर हम बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग देखेंगे, मैसिव शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं, क्योंकि अभी जो सेटअप के बेसिस पे फॉर्मेशन बना है वो काफ़ी नेगेटिव फॉर्मेशन है और ऐसे केस में हम शायद 49,000 या 49,100 के लेवल्स बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। बट वही अगर हम 49,000 के नीचे अगर बैंक निफ्टी को क्लोज होते हुए देखते हैं तो फिर हमें लगता है कि बैंक निफ्टी कुछ दिनों में 48,500 से लेकर 300 के लेवल्स रजिस्टर कर सकता है। सेक्टर स्पेसिफिक हमें फोकस करना है यहाँ से मेटल्स एंड माइनिंग स्टॉक्स के ऊपर। भावे में लगता है कि तेज़ी बनी रहेगी, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी फॉलो करें। बीएफएसआई में भी तेज़ी के मौके बनेंगे, मिड साइज बैंक स्टॉक्स के ऊपर फोकस करें, वहाँ पे तेज़ी बन सकती है। और फाइनली आईटी स्टॉक्स में अभी भी प्रेशर बना हुआ है तो वहाँ पे हमें लगता है कि अगेन हमें काफ़ी कॉशियसली ट्रेड करना है, या तो अगर इन्वेस्टमेंट्स करना है तो काफ़ी बढ़िया सेक्टर मैं कहूँगा कि हो सकता है। बट कैपिटल गुड्स, इंफ्रा, रोड स्ट्रक्चर्स, डिफेंस, रेलवेज स्टॉक्स, इन सभी में अच्छा खासा मोमेंटम है और हमें यहाँ पे सिलेक्टिव अप्रोच रखते हुए कुछ लॉन्ग की पोजीशंस बनानी चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही और आप सभी से मैं आज के लिए विदा लेता हूँ। धन्यवाद।